हेलो दोस्तों, मैं पंकिल शाह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल टैग के नर्ड में। आज मैं आपको बताऊंगा मोबाइल के अंदर ऐसी गेम्स के बारे में जो आप बिना इंटरनेट यूज किए यूज कर सकते हैं, खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके मोबाइल के अंदर मोबाइल डेटा खत्म हो गया है या फिर आपके पास वाईफाई नहीं है, आप बोर हो रहे हैं, आपको कंटाला आ रहा है, तो आप अपने मोबाइल को गेम बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक तो गूगल क्रोम। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहली गेम के बारे में। जो पहली गेम के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। मेरा नीचे दिखा देता हूँ, मैं अपना वाईफाई बंद है, मेरा मोबाइल डेटा भी बंद है, कुछ भी मेरा चालू नहीं है, सब कुछ बंद है। ठीक है दोस्तों, मेरा इंटरनेट कनेक्शन टोटली डिस्कनेक्ट है। अभी मैं यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर कोई भी वेबसाइट सर्च करूंगा, एग्जाम्पल के लिए facebook.com सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो क्या हमारा फेसबुक कनेक्ट होगा, नहीं होगा। लेकिन उसके जगह पे क्या आएगा, एक डायनासोर वाला छोटा सा गेम आता है। आपको पता होगा, आपका पीसी आपने यूज किया हो तो वो सेम यहाँ पे मोबाइल में आपको देखने को मिल जाएगा। वो गेम आप आसानी से खेल सकते हैं। आपको इसको सिर्फ ऊपर नीचे कूदाते रहना है और आपको लेवल्स पार करने रहते हैं। यहाँ पे छोटा छोटा एक वो पेड़ आता है, फिर वो बर्ड्स आते उड़ते उड़ते, उनसे आपको डायनासोर को बचाना है। ये गेम आप बिल्कुल ही फ्री में खेल सकते हैं, बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के आप अपने मोबाइल में खेल सकते हैं, जिसके बारे में 99% लोगों को नहीं पता रहता है। या फिर ऐसा कुछ है कि आपको पता है लेकिन आपको वो कैसे खेलना है या फिर कैसे नोटिस करना है वो आपको पता नहीं। तो ये इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी। अगर आपकी वीडियो हमारा अच्छा लगा, हमारा थोड़ा भी प्रयास आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता हूँ नए अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।